नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता कैथल ब्रेकिंग टीवी से। अभी दो दिन पहले ही फतेहाबाद के जाखल से वहां के नगर पालिका के चेयरमैन प्रतिनिधि नोहर चंद गोयल की आत्महत्या का मामला सामने आया। कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने ही नगर पालिका के कार्यालय में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और उन पर अविश्वास प्रस्ताव का इतना दबाव था जिसके चलते उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैथल के एक एडवोकेट श्री अजय गर्ग, जिनसे हम जानेंगे कि पूरा क्या मामला है और उन पर इसकी क्या राय है। जी सर, नमस्कार। नमस्कार, मैं आपको इस बारे में ये बताना चाहता हूँ कि फतेहाबाद जाखल में, जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाखल नगर पालिका है, वहाँ पर नोहर चंद जी गोयल जी वहाँ के अपना चेयरमैन प्रतिनिधि थे, जिन्होंने सुसाइड कर लिया। और उसके अंदर जो अहम तथ्य है कि वो पार्षदों ने जो उनके ऊपर दबाव बनाया, अविश्वास प्रस्ताव ला के भी उनको डराने का प्रयास किया, जिसकी वजह से वो पहले भी 1,60,00,000 रुपए खर्च कर चुके थे, जो उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है। और उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर इतना प्रेशर पड़ गया कि उन्होंने आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए और जिससे उनकी डेथ हो गई। और इसके बाद आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने इसके अंदर 6 महीने पहले ही फैसला ले लिया है कि नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव, मेयर के चुनाव डायरेक्ट होंगे। चेयरमैन के ऊपर पार्षदों का कोई भी दबाव अब नहीं रहेगा। पार्षद अब चेयरमैन के पास अपना काम लेके जाएंगे, अपने वार्ड का विकास के लिए कोई भी काम होगा चेयरमैन उनको करवाने का प्रयास करेंगे। जो खट्टर जी ने ये फैसला लिया है, यह एक बहुत ही सराहनीय कदम है। जी सर, हरियाणा सोसाइटीज़ एक्ट के बारे में बताइए और इसमें अभी भाजपा सरकार ने क्या बदलाव किए हैं और क्या इसका फ़ायदा होगा। हरियाणा सोसाइटी एक्ट पहले सारे कॉलेज, जितने भी कॉलेज हैं, एडिड कॉलेज या दूसरे कॉलेज हैं, जो अपनी सेल्फ कॉलेज है जो चल रहे हैं इस टाइम प्रदेश के अंदर, उसके अंदर डायरेक्ट चुनाव होते थे। अब कांग्रेस के टाइम में हरियाणा सोसाइटी एक्ट चेंज कर दिया गया, उसको चेंज करके कॉलेजियम बनाए गए। वही पैटर्न जो नगर परिषद और नगर पालिका में होता है कि पार्षद फिर चेयरमैन, पार्षद जो चेयरमैन को चुनता है, ऐसे ही कॉलेजों में जैसे कि आरकेएसटी कॉलेज, आईजी कॉलेज, जाट कॉलेज हमारे कैथल के हैं, इन्हीं के नाम उदाहरण मैं देता हूँ आपको। यहाँ पर पहले डायरेक्ट चुनाव होते थे, परंतु हरियाणा सोसाइटी एक्ट को कांग्रेस के राज में चेंज होने के बाद उसके अंदर कॉलेजियम सिस्टम कर दिया, जिसकी वजह से कॉलेजियम के मेंबर्स प्रधान के ऊपर दबाव बनाते हैं काम करने के लिए कि हमारा इस बंदे को रख लो, इसको हटा दो। उस दबाव को हटाने के लिए डायरेक्ट चुनाव, लोकतंत्र को बहाल करने के लिए डायरेक्ट चुनाव प्रणाली होनी चाहिए, चाहे वो आईजी कॉलेज हो, चाहे आरकेएसटी कॉलेज हो, चाहे जाट कॉलेज हो, इन सभी चुनावों को डायरेक्ट होना चाहिए, ताकि जो प्रतिनिधि जो लड़कर आए उसके बाद वो उसको स्वतंत्र रूप से वो काम कर सके, किसी के प्रेशर में काम ना कर सके, ताकि समाज का भला हो, जो पढ़ने वाले बच्चे उनका भला हो, जो कि जो कॉलेजियम सिस्टम है उसके अंदर ये जो मेंबर्स होते हैं ये प्रधान के ऊपर दबाव डालते हैं कि हमारे ये काम करो, और काम ना करने पर फिर प्रधान को धमकी देते हैं कि हम आपको चेंज कर देंगे। तो इस तरह की व्यवस्था को बदलने के लिए खट्टर जी से मैं आग्रह करता हूँ कि जैसे आपने नगर पालिका और नगर परिषद के चुनावों को डायरेक्ट करने की घोषणा की है, उसी तर्ज पर हरियाणा सोसाइटी एक्ट को चेंज करके जो कॉलेज हैं और जो अदर्स संस्थाएं हैं उसके अंदर भी यही व्यवस्था लागू की जाए कि डायरेक्ट चुनाव को बढ़ावा दिया जाए, ताकि लोकतंत्र की बहाली हो सके। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस राज में डायरेक्ट चुनावों की जगह एडिड कॉलेजेस में या सोसाइटीज़ में जो डायरेक्ट चुनाव सिस्टम था उसे ख़त्म करके कॉलेजियम सिस्टम कर दिया था, लेकिन आप अब मांग कर रहे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम को हटाकर, क्योंकि उससे प्रधान पर दबाव रहता है कॉलेजियम के मेंबर्स का, उसे दोबारा से डायरेक्ट कर दिया जाए जैसे निकाय चुनावों में किया गया। बिल्कुल, मेरा यही कहना है कि उसको भी डायरेक्ट चुनाव किया जाए, ताकि जो प्रधान चुनता है वो किसी के दबाव में काम निष्पक्ष तरीके से काम करे, ईमानदारी से काम करे। जो कॉलेजियम सिस्टम है, कॉलेजियम सिस्टम में जो मेंबर्स बनते हैं वो प्रधान पर दबाव डालते हैं कि मेरा ये काम करो, और काम ना करने पर उसे धमकी देते हैं, जिसकी वजह से प्रधान को ना चाहते हुए भी गलत काम करने पड़ते हैं। इस व्यवस्था को बदलने के लिए पुरानी व्यवस्था को डायरेक्ट चुनाव लाके, ताकि लोकतंत्र की व्यवस्था को बहाल किया जा सके। तो ये थे हमारे साथ अजय गर्ग जी, जो कैथल से एडवोकेट हैं। उन्होंने बताया, उन्होंने सराहना की हरियाणा सरकार के उस कदम की जिसमें नगर पालिका के चेयरमैन के चुनावों को फिर से डायरेक्ट कर दिया गया है, और साथ में इन्होंने ये मांग भी की कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नगर पालिका के चेयरमैन के चुनावों की जो घोषणा है वो डायरेक्ट की है, उसी प्रकार से
एडिड कॉलेजेस जहां पर प्रधानी के इलेक्शन होते हैं उसे कॉलेजियम सिस्टम से बदलकर दोबारा से सीधे तौर पर चेयरमैन के इलेक्शन होने चाहिए। ये थी कैथल ब्रेकिंग टीवी की खास पेशकश। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, मेरे सहयोगी कैमरामैन कुलदीप तंवर के साथ।